बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरी से होंगे। मैं आपका होस्ट ज़ुबैर मलिक आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी का नाम है फ्रेंच शॉर्ट्स। ये बेसिकली आलू के चिप्स हैं, लेकिन ये नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज से बहुत मज़े के बनते हैं। तो इसलिए मैंने आज ये सोचा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की है और आप लोग इसे बनाकर बहुत इंजॉय करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स में शामिल है सिर्फ़ और सिर्फ आलू। यहाँ पे हमने थोड़े से आलू लिए हैं और उसको हमने क्यूब कट किया हुआ है, और फिर इसको क्यूब कट करने के बाद हमने इसको चिल्ड वाटर में रखा है, और फिर उसके बाद हमने निकाल के इसको गर्म पानी में रखा है, उसमें सॉल्ट डाल के, जिससे ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएंगे। और अभी हम इसको निकाल के, इसका पानी ड्रेन करने के बाद हम इसको यहाँ टिश्यू में इसको सोख लेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आलूओं को अच्छे से पानी ड्रेन करने के बाद उसको ड्राई यहाँ पे कर लिया है इस टॉवल से, और अभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने पैन के अंदर ऑयल लेके इसको मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, जो कि अभी काफ़ी गर्म हो चुका है, और अभी हम इसको इसमें फ्राई कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आलू डीप फ्राई होने के लिए ऑयल में डाल दिए हैं, और अभी इसको 10 मिनट तक हम पकाएँगे, और 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आलू हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल देंगे। फ्रेंड्स, हमने अपने फ्रेंच शॉर्ट्स जो है वो इस बॉल में निकाल लिए, अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। और इसमें हम डालेंगे 2 पिंच सॉल्ट, सॉल्ट बेसिकली टू टेस्ट, जितना आप चाहें। और अब इसको अच्छे से शेक कर लेंगे आप, ताकि सारा जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जी फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंच शॉर्ट्स बिल्कुल तैयार हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, और ये टेस्ट में भी नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज से बहुत मज़े के हैं, क्योंकि ये सुपर क्रिस्पी भी हैं। आप इसको किसी भी डिप के साथ खा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज ये छोटी सी और मज़ेदार रेसिपी जल्दी से बन जाने वाली बहुत पसंद आएगी। आप इसे अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए, और अपनी राय का इजहार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपडेट करूं, आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और बहुत जल्द एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।